तो दोस्तों हमारे सामने 2006 के मॉडल की मेहरान गाड़ी आ चुकी है, 2010 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है, और दोस्तों हमारे सामने 2008 के मॉडल की कल्टस गाड़ी ऑल्टो गाड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों हमारे सामने 2006 के मॉडल की मेहरान गाड़ी आ चुकी है, नो की ये रजिस्ट्रेशन है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देंगे, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है, डिमांड वगैरह क्या है, डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है नहीं है सब पूछ लेंगे भाई से। आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको नॉलेज मिल सके गाड़ी की। तो अभी आपको गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह दिखा देते हैं भाई फ्रंट से, तो आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं। और अभी आपको गाड़ी के टायर वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के टायर वगैरह भी देख लें भाई लोग। टायर से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी के पीछे वाले टायर वगैरह भी दिखा देता हूँ और पीछे गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा दूंगा। और अगर हम गाड़ी के पीछे की लुक की बात करें तो आप गाड़ी के बैक की कंडीशन वगैरह देख लें भाई लोग। बैक से तो हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी के डोर की बात करें तो आप गाड़ी के डोर वगैरह देख लें, डोर से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है, आप गाड़ी के डोर वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करेंगे हम लोग, इंटीरियर डैशबोर्ड पता नहीं क्यों मुझे याद रहता है बार बार। अभी आपको गाड़ी के पीछे वाली सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के पीछे वाली सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग। पीछे वाली सीट से तो हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी की आगे से कंडीशन दिखा देता हूँ, आगे से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के आगे वाले डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये आगे के डोर वगैरह देख लें भाई लोग। आई होप आपको सही से नज़र आ रहे हो, बस धूप इतनी पड़ रही है कि नज़र भी नहीं आ रहा होगा। इंटीरियर डैशबोर्ड दिखाते हैं भाई, आप गाड़ी का इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है, मतलब आप गाड़ी की सीट्स वगैरह भी देख लें भाई लोग। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये इंजन वगैरह देख लें भाई लोग। इंजन रूम से तो हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, आपको सही से करीब से दिखा देते हैं। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या करते हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह बता दीजिएगा। 2006 मॉडल 9 का रजिस्टर है, 4.25 लाख रुपये मांग रहे हैं। 4.25 लाख मांग रहे, ठीक है। डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है, अच्छी होती है हमारी गारंटी इसमें। अच्छा गारंटी है जी, गारंटी में मतलब दे रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा कागजात वगैरह में गारंटी आपकी, ठीक हो। एसी वर्किंग में गाड़ी में नहीं, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स में मतलब ओके, ठीक होगा। पेट्रोल सीएनजी दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। एक लीटर में कितना दे रही है अंदाजा? 12 किलोमीटर, ठीक हो गया। और डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? 4.25 लाख। कमी पेशी होगा कि अगर कोई बंदा आता है, ठीक हो। अपना नंबर और नाम वगैरह शेयर करते हैं। नहीं, नाम है 0317200-6656, ठीक हो। आपका नंबर है ये, लोकेशन कहाँ की? ठीक हो, थैंक यू सो मच। मैंने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो वैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। दोस्तों हमारे सामने 2010 के मॉडल की कल्टस गाड़ी आ चुकी है, और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। तो अगर गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो आप गाड़ी का ये फ्रंट लुक वगैरह देख सकते हैं मैं लोग। फ्रंट से तो हमें गाड़ी का लुक काफ़ी प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाता है। और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। तो टायरों की बात करूँ तो आप गाड़ी के टायर वगैरह देख सकते हैं मैं लोग। टायर से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में दिखने को मिल जाते हैं। और अभी आपको गाड़ी के पीछे वैसे कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, पीछे से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। उसके बाद गाड़ी के डोर वगैरह भी दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ से यार धूप काफ़ी पड़ रही होती तो इस वजह से काफ़ी कुछ नज़र नहीं आता। तो अभी आपको गाड़ी की डोर वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी की ये डोर वगैरह देख सकते हैं। डोर से तो हमें गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी कंडीशन में डोर देखने को मिल जाते हैं भाई। सीट्स वगैरह देख सकते हैं भाई लोग, आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें। सीट से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है, आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें। और आप गाड़ी के ये ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी आपको गाड़ी के आगे से भी कंडीशन दिखा देता हूँ, आगे से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। तो डोरों की बात करें आगे वाले डोरों की, तो आप गाड़ी के आगे के डोर वगैरह देख लें भाई लोग। आगे के डोर से तो हमें गाड़ी के बिल्कुल, तो अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी के आगे से सीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के आगे की सीट्स वगैरह भी देख लें। अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है वैसे कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये इंजन वगैरह देख लें। तो इस तरह से हमें गाड़ी का ये इंजन वगैरह दिखने को मिल जाता है, और आई होप आपको सही से नज़र आ गया होगा। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये? गाड़ी है 2010 मॉडल है, ठीक है। और कीमत है इसका 8.5 लाख रुपये। 8.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, कमी पेशी हो जाएगी अगर कोई बंदा आता है? जी जी हो जाएंगे, ठीक होगा। डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है? सब ओके, सब हमारा वर्किंग में,
सब ओके, एसी वर्किंग में एसी ओके, ठीक हो गया। पेट्रोल सीएनजी दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पे? पेट्रोल भी है सीएनजी भी है दोनों है। अच्छा ठीक है, एक लीटर में कितना दे रही है पेट्रोल पे अंदाजा? 18-19 दे रही है, ठीक हो गया। और गाड़ी में किसी किस्म का काम आपको लगता हो? कुछ भी काम नहीं, कुछ भी नहीं है, गाड़ी लो और चलाओ, ये हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अपना नंबर और नाम वगैरह बता दो ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी 03216-26-91-904, ठीक हो गया, ये आपका नंबर है, ठीक हो गया। लोकेशन कहाँ की, गाड़ी कहाँ मिलेगी? ये जहांगीर रोड बलोचपाड़ा, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीत वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे सामने 2008 के मॉडल की कल्टस गाड़ी ऑटो गाड़ी आ चुकी है, और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं। मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है, भाई आप गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह देखें, तो इस टाइप से हमें गाड़ी का ये फ्रंट लुक वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अगर हम गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो भाई आप गाड़ी का साइड लुक वगैरह देख सकते हैं, साइड लुक से तो हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी के पीछे से भी कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अगर हम गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो आप गाड़ी का ये साइड लुक वगैरह देख लें, भाई लोग कुछ इस तरह से मैं गाड़ी का ये साइड लुक वगैरह दिखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी के डोर वगैरह दिखा देते हैं, भाई आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें, कुछ इस टाइप से हमें गाड़ी के ये डोर वगैरह दिखने को मिल जाते हैं, मीन्स के भाई काफ़ी अच्छी कंडीशन में। और अभी आपको गाड़ी की सीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें, भाई लोग सीट से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में दिखने को मिल जाती है। और आप गाड़ी के स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, और अभी आपको गाड़ी के आगे से भी कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं। अगर हम गाड़ी के आगे के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये आगे के डोर वगैरह देख लें, भाई लोग आगे के डोर से तो हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में और साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें, इंटीरियर डैशबोर्ड से तो हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है। आप गाड़ी की आगे की सीट्स वगैरह भी देख लें, आगे की सीट से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जब भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये इंजन वगैरह देख लें, भाई लोग इंजन रूम से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। अभी आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, कुप्पे वगैरह देख सकते हैं आप लोग गाड़ी के, ईच एंड एवरीथिंग। अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है वो डिमांड क्या कर रहे हैं। असलामुअलैकुम भाई जान, भाई जान गाड़ी के बारे में थोड़ा हाथ तक बता दिएगा। 2008 का मॉडल है ये भाई, गाड़ी है ऑटोमेटिक है, ठीक है, यानी अपना सिर्फ गियर शिफ्ट करा हुआ है, स्विफ्ट का गियर डाला हुआ है, ठीक है, और ये फ्रंट कोई पैंट नहीं हुआ, दो पीस टचअप है सिर्फ, और ये पूरी जेन्युइन है, चार पाँचों टायर इसके डोर लॉक के नहीं डाले हुए, ड्राइव बैटरी डाली हुई है, एसी इसका ओन है, फैमिली वाली गाड़ी है। एसी वर्किंग में? एसी वर्किंग। पेट्रोल सीएनजी दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल। सिर्फ पेट्रोल। एक लीटर में कितना दे रही अंदाजा? एक लीटर पे 20-30 में 12 का एवरेज दे रही है, 12 का एवरेज दे रही है एक लीटर में, ठीक हो गया। गाड़ी में किसी किस्म का काम वगैरह? कोई काम नहीं है, सब नहीं किया, ठीक है। इंजन अपना गाड़ी का डिमांड क्या कर रहे हो? इसकी डिमांड है 8-20, अगर कुछ सब्सक्राइबर आएगा तो 780 हो जाएगी फाइनल, 780 फाइनल कर दोगे आप लोग, ठीक हुआ, ठीक हुआ। अपना नंबर और नाम वगैरह बता दो यार। 03190314274407407। रिपीट करना दोबारा, 03190319342407। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका नाम? समीर नाम, ठीक हुआ समीर भाई, थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया।